चेयर बैठना है उस वाली चेयर पे, और थर्ड पोजीशन पे शिवांगी। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, पर हमें दुख भी हो रहा है कि हम ये जगह से अब चले जाएंगे। तो कोई नहीं, दोनों चीजें एक साथ हो रही है। हो गया भाई, हो गया। अच्छा, सभी मित्रों को नमस्कार। तो कैसे हैं, उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे। मैं दीप पाठक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और अभी हूँ स्कूल पे, है ना। तो आज होना है क्लास 12th का फेयरवेल, और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी मजेदार होने वाला है। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं आगे, मिलते रहेंगे, मतलब काफी मजेदार होने वाला है। तो यहाँ पर ना अभी पेरेंट्स और बच्चे आने लग गए। तो यहाँ पे सबसे पहले ना टीका लग रहा है, जो जूनियर हैं अपने सीनियरों को टीका लगा रहे हैं। प्रिंसिपल मैम और बड़ी मैम वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। से सारे लगभग आ चुके हैं अभी, और यहाँ पर ना सारे के सारे जूनियर से बैठे हैं। इस संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों और छात्राएं, समस्त शिक्षणेतर कर्मचारी, विदाई के अवसर पर मुझे वह दृश्य संभव हो रहा है जब शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम से विदा लेकर राजा दुष्यंत के महलों की ओर प्रस्थान कर रही है। आपकी विदाई के अवसर पर यह हृदय दुख से अत्यधिक द्रवित हो रहा है। जब तक अतिथि दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, तब तक आप अपनी तालियों से दीप जला दीजिए। ग्यारहवीं ब की छात्रा व आठ के छात्राओं को सरस्वती वंदना के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। I am Yash Mehra, your host for the memorable event. As a proud student of class 11, as we are bid for a farewell. ए विद्यार्थी, तू सब्र तो कर, नियमितता से संघर्ष तो कर, तू चिंता नहीं सहर्ष कर, तू किताबों को स्पर्श तो कर, उलझन नहीं सुलझन की सोच, उलझन नहीं सुलझन की सोच, विसर्जन नहीं सर्जन की सोच। तो कैसा लग रहा आप लोगों को अभी? नंबर क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा कह रहा हूँ, दुख है हमारी जो खत्म हो गया, अब इसके बाद हमने अपनी नई लाइफ में पूरा फाइट करना है, हार नहीं माननी है। हाँ, वो तो कुछ रहेगा ही, अच्छा लग रहा है, पर हमें दुख भी हो रहा है कि हम ये जगह से अब चले जाएंगे। तो कोई नहीं, दोनों चीजें एक साथ हो रही है। हो गया भाई, हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, हो गया। हमें क्या बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि तो कैसा लग रहा है आज विदाई समारोह? जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए कैसा लग रहा है? खैर अभी चलते हैं ना, यहाँ खाने पीने वाला प्रोग्राम है डिपार्टमेंट, चलते हैं देखते हैं क्या क्या हो रहा है इधर। तो यार यहाँ पर ना अभी जो भी जूनियर्स हैं, ये जूनियर लोग हैं यहाँ पे, तो इन जूनियर्स ने अपने सीनियर्स के लिए यहाँ पे जो रिफ्रेशमेंट के लिए भी रखा है, तो इसमें चाय, समोसे, मोमोज और पेस्ट्रीज वगैरह सारी चीज़ें हैं। ये हैं मोमोज और इसमें है समोसे, इसमें पेस्ट्री वगैरह भी है बच्चों के लिए। देखो आपके जीवन में भी कभी ना फेयरवेल या अपने से पार्टी जो भी रही होगी, तो आप लोगों ने भी किया होगा, तो आपको भी ये दिन अभी याद आ रहे होंगे आप अपने टाइम के, है ना। तो काफ़ी मज़ा आता है, मतलब इन चीज़ों में जो हमने भी किया था तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आता है ना। आज आप लोगों के जो सीनियर्स हैं उनकी विदाई हो रही है और आप लोगों के द्वारा की जा रही है, तो क्या कहोगे आप लोग इस बारे में? इस साल मतलब तुम लोग लोगे और अगले साल फिर दूसरे तुमको देंगे। ओके, और अभी ना चेयर रेस यहाँ पे होने जा रही है बच्चों की।
चेयर रेस के लिए सबसे पहले गर्ल्स का होना है, तो सारी गर्ल्स यहाँ पे आ गई है, रेस यहाँ पे स्टार्ट होने लग गई। चेयर पे बैठना है अभी, यहाँ पे दो लोग हैं ना। तो विनर रही आपका नेम महक और सेकंड पे आई हैं नेम रिया और थर्ड पोजीशन पे शिवांगी। वेरी गुड ना, बॉयज की चेयर रेस हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, जीतने वाला मैं ही हूँ। गुड गुड लक। अरे वाह वाह, ये छूट गया बाहर बाहर। चेयर को छुरा नहीं है, आराम से आराम से। बैठना है उस वाली चेयर पे। यहाँ पर ना बॉयज की भी जो चेयर रेस थी वो हो चुकी है, और देखते हैं आगे का प्रोग्राम क्या है ना, और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर।